तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले अपने माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज। बट उससे पहले आप लोग कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और हमारे आगे आने वाले एपिसोड को भी देखना चाहते हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और नीचे बेल आइकन भी आएगा उसे भी दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अपना वर्ल्ड स्टेट, न्यू पे हम क्लिक करेंगे, फिर क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे हम क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक करने के बाद हमें रखना है एक अच्छा सा अपने वर्ल्ड का नाम। तो भाई जल्दी से सोचना होगा कौन सा मैं नाम रखूंगा, क्रेजी सा। हाँ, तो अब याद आया मुझे, क्रेजी पिकिंग नाम रखते हैं अपने वर्ल्ड का। उसके बाद हम ऑब्वियसली अपना गेम मोड रखेंगे सर्वाइवल, और अगर नीचे जाएंगे तो सेडर पैक ऑन करेंगे। तो सेडर पैक आप लोग देख लीजिए, ये वाला लगाने जा रहा हूँ। जिसको भी चाहिए मुझे लिंक मंगवाना, मैं नहीं दूंगा। फिर बाद में हम क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक कर देते हैं। बाकी आप लोगों को तो पता ही कि MCP में कितना टाइम लगता है क्रिएट होने में वर्ल्ड। तो फिर अब तक वेट करिए। 5 minutes later। ओके, मैं आ चुका अपने वर्ल्ड में। भाई पहले इसे फर्स्ट पर्सन मोड में मैं करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ओके, मैं आ चुका हूँ फर्स्ट पर्सन मोड में। ओके, अगर आपने पहले भी सर्वाइवल सीरीज देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर सबसे पहले पेड़ तोड़ते हैं, तो हम भी इस परंपरा को अपनाएंगे, हम सबसे पहले पेड़ तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो लकड़ी, इसके हम प्लैंक्स में कन्वर्ट करने कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम इसे बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल। तो हमें प्लेस करता हूँ अपने क्राफ्टिंग टेबल पर, उसमें बना देते हैं हम स्टिक। स्टिक बनाने के बाद हम इसे बना लेते हैं पिकेक्स। पिकेक्स बाद हम चलते हैं अपने कॉबल स्टोन की माइनिंग पे। तो चलिए ढूंढते हैं एक अच्छी सी माइन जहाँ हमें कॉबल स्टोन और भाई आयरन वायर मिल पाए। और यहाँ पर हमें कुछ तो दिख रहा है भाई, इसके अंदर चलते हैं और इसे तोड़ते हैं, देखते क्या पता हो। भाई ये तो पानी है, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और दूसरी माइन को ढूंढते हैं। ओके, मुझे सामने माइन दिख चुकी है, जल्दी से यहाँ पर माइन कर लेते हैं, हमें जितना भी कॉबल स्टोन मिल पाएगा। ओके, तो हमारे पास जितना भी स्टोन आया है उसमें हम अपने जितने भी वेपन्स है सबको हम स्टोन का बना लेते हैं। और इस वीडियो में हमारा एक गोल है कि मुझे बनाना है अपना फर्स्ट हाउस, वो भी इसी वीडियो में। तो फिर देखते हैं क्या हम बना पाते हैं, और चलते हैं हम कुछ एनिमल्स को मारने जिससे हम फूड इकट्ठा कर सकें, और कुछ वूल जिससे हम अपना बेड बनाकर नाइट स्किप कर सकें, वरना हम मर जाएंगे। ओके, तो फाइनली मुझे मिल चुके हैं 3 वूल जिससे हम बना सकते हैं बेड। तो अभी मुझे चाहिए भाई आयरन, जो कि मुझे भाई बहुत ही ज़रूरत है आयरन की। तो जल्दी से ढूंढते हैं, हमें देखते हैं कितनी देर में माइन मिलती है जिससे हम आयरन की कलेक्ट कर सकें। तो जल्दी से ढूंढते हैं अच्छी सी माइन जहाँ हमें आयरन मिल सके। ओके, तो यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी सी माइन दिख रही है भाई, यहाँ तो पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें जाऊँगा तो मैं वापस आ ही नहीं पाऊँगा। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, देखते हैं आगे क्या पता मुझे कोई बढ़िया सी माइन मिल जाए। तो जल्दी से ढूंढना स्टार्ट करते हैं यहीं पास से। 5 minutes। तो गाइस, मैं पिछले बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, ये आखिरी माइन बची, इसके बाद मैं नहीं ढूंढूंगा। तो इसमें भाई अंदर चलते हैं, भाई देखते हैं। भाई ये तो बहुत गहरी, जल्दी निकल, जल्दी भाई यहाँ से निकलना होगा, मैं मर जाऊँगा भाई। ओके भाई, मैं निकल चुका भाई, बहुत ही गहरी थी भाई वो माइन, भाई क्या ही कहने। तो भाई जब मैं माइन को ढूंढूंगा ही नहीं भाई, बस हवा निकल। तो अब भाई चलते हैं भाई कहीं और, अब माइन को तो भाई मैं भूल ही जाऊँगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर एक और माइन दिखी भाई, इसके बाद तो मैं किसी माइन में जाऊँगा ही नहीं। तो यहाँ पर मुझे कुछ कोल दिख रहा है, तो पहले मैं कोल को कलेक्ट करता हूँ, आगे देखने चाहता हूँ क्या पर यहाँ पर आयरन मिल जाए। तो अभी कोल है, तो कोल ही को जल्दी से माइन करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर एक भी भाई मतलब कि आयरन मिला ही नहीं, तो हम मैं जल्दी से यहाँ पर वो कॉबल स्टोन को कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं अपना घर बनाना स्टार्ट कर सकूँ। तो जल्दी से कॉबल स्टोन को कलेक्ट करते हैं और चलते हैं अपना घर बनाने कोई अच्छे से लोकेशन पर। ओके, तो मैंने यहाँ पर बहुत से भाई कॉबल स्टोन कलेक्ट कर लिए, तो मैं आ चुका हूँ अभी बाहर। भाई बाहर में देखता हूँ तो भाई यहाँ पर आ रही हो रही शाम, तो जल्दी से मैं यहाँ पर लगाता हूँ ना बेड और क्राफ्टिंग टेबल, और यहाँ पर मैं जल्दी से भाई सो जाता हूँ क्योंकि पता चले ज़ॉम्बी आ जाए, मेरा यहाँ पर काम तमाम हो जाए। जल्दी से बेड लगाते हैं और सो जाते हैं। तो मेरे पास तो भाई यहाँ पर बेड ही नहीं, तो जल्दी से भाई बेड क्राफ्ट करते हो यहाँ पर, जल्दी से लगाते हो क्योंकि रात हो चुकी, जल्दी से भाई लग जा और यहाँ पर जल्दी से सो जाते हैं। गुड नाइट गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। और भाई भाई जल्दी पे भाई यार, ये कब से आगे भाई, जल्दी से निपटाना पड़ेगा भाई, जल्दी से भाई आगे लगे, आगे लगे आगे लगे भाई, जल्दी से भाई खत्म हुआ भाई, दूसरा भी आ रहा है, सभी निपटाते हैं। तो भाई ये भी मर गया, अबे भाई बच्चा बच्चा है भाई, अब तो मैं गया, ये बच्चा है बहुत ही खतरनाक बच्चा, तेरी भाई मर गया यार, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तो जल्दी से भाई जितना भी यहाँ पर सामान मेरा है सब बिखर गया मरने के बाद, तो जल्दी से मैं इसे कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर अपने हाउस बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलते हैं लकड़ी काटने, भाई यहाँ पर सामने खड़ा है भाई ज़ॉम्बी, इसे मार दे भाई, नहीं 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 पूरा नहीं पूरा नहीं पूरा खराब हो जाएगा भाई, मां बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी की एसी की तेसी साले। ओके, जो कुछ भी होना था भाई हो गया, मैं जल्दी से यहाँ पर ट्री को काटता हूँ और बनाना स्टार्ट करता हूँ भाई अपना सा घर, मुझे सबर नहीं हो रहा, बहुत ही खतरनाक वाला घर बनाऊंगा भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो बहुत सी लकड़ियाँ काट के मैं ले आ चुका हूँ और अब मुझे ये जो सामने ज़मीन दिख रही है इसे हमें साफ़ करना होगा ताकि हम अच्छा सा घर बना सकें। तो जल्दी आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसे साफ़ करना। ओके, तो मैंने पूरी सफाई कर दी है, तो अब बस बारी आती है हमारे घर बनाने की। तो भाई यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं अपने घर बनाने की। तो जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लॉक लगाना स्टार्ट करता हूँ दो इस साइड, और बीच में यहाँ पर एक गेट के लिए हम दरवाज़ा छोड़ेंगे, फिर हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे अपना अगला सा लॉक लगाना। तो यहाँ पर पहला लगाते हैं, दूसरा यहाँ पर पीछे से हम खींचते हुए ले जाएंगे इसे। तो फिर मेरा यहाँ पर फाउंडेशन तो बनके तैयार हो चुका है, मेरे पास यहाँ पर पूरी लकड़ियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो फिर जल्दी से चलते हैं लकड़ियाँ लेने, और लकड़ियाँ लेकर के आते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लकड़ियाँ लेकर के आ चुका हूँ, अब यहाँ पर रूफ बनाने बारी आती है रूफ लगाने की। तो जल्दी से रूफ लगाना स्टार्ट करता हूँ, आपको मिलता हूँ मैं रूफ लगाने के और पूरा घर कंप्लीट करने के बाद। ओके, तो गाइस फाइनली हमारा घर बनके रेडी हो चुका है, जो कि कुछ ऐसा लग रहा है। मेरे पीछे जो घर है ये गाइस अपना ही है, देखो कितना शानदार सा बना, वो अलग बात है कि पीछे मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। तो गाइस ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है, तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बस आप लोग कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर इस वीडियो पर आते हैं 30 लाइक तो मैं इसका अगला पार्ट बनाऊँगा।